बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का इंडिया स्वयंपटी में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहला विषय बीकॉम सेकेंड ईयर का, बिजनेस स्टैटिक्स। नाम भी मैंने यहाँ इसीलिए लिख दिया है, बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स का बुक अगर आपके पास है तो आपको पता होगा चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक का पूरा थ्योरी है। चैप्टर 4 और 5 में थोड़ा थोड़ा रूल बताया गया है कि आगे जब आप चैप्टर 7 में पहुंचेंगे तब तो जब आप समांतर माध्य बनाएंगे, माध्यिका और बहुलक बनाएंगे, तो सिग्मा का क्या रोल वहां पर होता है, क्या क्या फॉर्मूलाज होंगे, सब में आने वाले वैल्यूज जो होंगे उनका नाम क्या होगा, वो सब चैप्टर 4 और 5 में बताया गया है। तो चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक की थ्योरी उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिकल नहीं बनाना चाहते, जिनको थ्योरी पढ़ के पास होना है। तो चैप्टर 1 के सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है सांख्यिकी क्या है, इसकी विशेषता, अर्थ, प्रकार, क्षेत्र, दोष, गुण को बताइए, ये सभी आपको पढ़ना है। इसमें से किसी दो को पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, सांख्यिकी क्या है परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए या इसके क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, इस तरह से किसी एक टॉपिक को पूछेगा आशय परिभाषा के साथ में। तो जो बच्चे प्रॉपर थ्योरी बना के पास होना चाहते हैं वो एक अध्याय की पूरी थ्योरी आराम से और बहुत ध्यान से आराम से पढ़े ताकि एक भी पॉइंट आपका छूटे ना। और जिन बच्चों को प्रैक्टिकल सीखना है उन सभी का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। वैसे लाइव नहीं होने वाला है, मैं सोचा था लाइव करूंगा लेकिन टाइमिंग हमें नहीं जम पा रहा था, इसलिए जब मैं फ्री था मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। आप जब भी इसको देख रहे हैं पेन कॉपी निकाल करके बैठे, पर अगर आपके पास पुस्तक होगा तो ये और अच्छी बात है, पुस्तक आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो मुझसे देख करके सीख सकते हैं आप, क्योंकि मैं अभी मैंने पीडीएफ वगैरह इसका नहीं बनाया है। लेकिन हाँ, मैं ऑनलाइन बैच इसका शुरू करने वाला हूँ 3 तारीख से, आप अभी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं जितने बच्चों को पढ़ाऊंगा उनकी संख्या काफी कम होने वाली है, मैं बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है? तो लिमिटेड सीट है, आप ये समझ सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आप अभी ज्वाइन कर लें, मात्र 199 1,000 रुपए आपकी फीस रखी गई है एक विषय का। आपको स्टैटिक्स पढ़ना है, आप केवल 999 पे कीजिए और स्टैटिक्स पढ़िए। आपको लगता है नहीं मुझे स्टैटिक्स आता है, मुझे केवल कॉर्पोरेट पढ़ना है, तो ठीक है आप 199 दीजिए, आप कॉर्पोरेट पढ़िए। किसी बच्चे को केवल कॉस्ट पढ़ना है, कॉस्ट का 999, तो एक विषय का 1,000 रुपए का फीस है। आप जिस विषय को पढ़ना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके बाद कॉस्ट और कॉर्पोरेट की बारी आएगी। तो हम उस बेच में जो 3 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है उसमें हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे और उसकी टाइमिंग रहेगी रात में 9-10 बजे के बीच में, ताकि जो बच्चे कॉलेज जाते हैं सुबह से या जो काम में जाते हैं उन सभी बच्चों को प्रॉपर शाम को टाइम मिलता है 8-9 बजे के बाद। तो सभी बच्चे 9-9:30 बजे से लाइव रहेंगे, सेशन में जुड़ेंगे, हम 1 से 1.5 घंटे की क्लास करेंगे जिसमें जितना बेसिक चीजें हो सके, बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। आज की जो क्लास होगी वो इसका डेमो होगा, चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक का जो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करना है उसके बेसिक नीड में यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो जिस तरह से इस क्लास को आप पूरा भी देखने वाले हैं कंटिन्यू, तो इसको समझ करके देखिएगा कि मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि चूंकि आप पहले फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे तो आपको पता होगा मैंने जो भी समझाया आपको क्लियर समझ में आया है। चूंकि आप नए होंगे तो बिल्कुल आप देखिए, जज कीजिए पूरा 1 घंटा या जितने मिनट का क्लास होने वाला उसको देख करके, आपको लगता है कि ठीक है मेरे को समझ में आ रहा है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और फिर भी पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, जहां से चाहे आप वहां से देख कर सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स से। चैप्टर 1 का नाम क्या है वो पढ़ते हैं। चैप्टर 1 है सांख्यिकी एक विषय के रूप में, फिर है विवरणात्मक सांख्यिकी की अनुमानिक सांख्यिकी से तुलना, समंकों का प्रकार, समंकों का संकलन, योग क्रियाएं जिसमें सिग्मा ऑपरेशन के पूरे नियम बताया गया है अध्याय 5 में, 6 में आवृत्ति वितरणों का निर्माण, और 7वां है केंद्रीय प्रवृत्ति की अवधारणा एवं इनकी आय, इसको ही कहते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। तो यहाँ पर सारे जो रूल्स होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिया हुआ है और यहीं से हमें सीखना है समांतर, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास बुक है प्रॉपर इस बुक को निकाल के बैठिए, और जिनके पास नहीं है आप यहाँ पर देखते रहिए, मैं जो भी नोट करवाऊंगा उसको आपको इसको नोट करना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा टारगेट है यूनिट 1 के हिसाब से, ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्ट का टारगेट है कि आपको माध्य के बारे में नॉलेज देना, और माध्य का साइन है ये x के बार, ठीक। दूसरा टारगेट है आपको
माधिका सिखा रहा हूं। माधिका का साइन है केवल एम, ठीक। उसके बाद आपको बहुलक सिखाना है। बहुलक को भूयिष्ठ भी कहते हैं और इसे जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना फॉर्मूला है, सब में दो तीन पद्धति होती है, लेकिन किसको किस तरह से दर्शाना है ये दिया गया है, ठीक है। हर जगह पदों की संख्या होती है, तो उस पदों की संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं, एन से दर्शाते हैं, ठीक है। यहां पर जो भी संख्याओं का योग निकलेगा, ठीक है, योग योग को दर्शाने के लिए, ठीक है, योग फल को दर्शाने के लिए सिग्मा का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? सिग्मा का। आप पदों की संख्या का योग निकालें चाहे सप्रेक्षणों की संख्या का योग निकालें, योग के लिए आप सिग्मा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक होता है वर्गांतराल। वर्गांतराल को हम गैप कहते हैं। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन में आपने देखा होगा जीरो से दस या दस से बीस लिखा रहता है, तो जो इनका गैप होता है वर्गांतराल, इसको हाइट एच से या फिर आई से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये गैप क्या होता है, इस तरह से जो जीरो और दस के बीच में दस का गैप है, तो इसका आई जो होगा वो टेन होगा, किसी किसी में फाइव, किसी किसी में हंड्रेड, वो नंबर के हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो किसको किस तरह से शॉर्ट में फॉर्मूले के रूप में लिखा जाएगा, इनका मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ मैंने लिखा है। और हाँ, समांतर माध्य का सूत्र देख लो क्या होगा। समांतर माध्य का सूत्र होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एफ का मतलब होता है आवृत्ति। एफ का मतलब क्या होता है? आवृत्ति, और इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी आप कहते हैं, ठीक है। यहां पर जब भी एक्स होगा समांतर माध्य में, तो वो कल्पित मान या मध्य मान होता है, जिसको मीन वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो सबकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, किसको क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे निकालना है। अब जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको फॉर्मूलास मिलते जाएंगे, जिनको आपको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे याद भी करना है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहला हमें सीखना है माध्य, जिसको आप पूरा समांतर माध्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। समांतर माध्य होता है क्या है, पहले इसके बारे में जान लें। जब हमें एक ही क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, तो हमें उन अलग अलग आंकड़ों को नहीं जानना, एक औसत वैल्यू जाननी होती है। जैसे कि अगर मैं गाड़ी चलाता हूं, रिक्शा वाला, तो कल मैं 500 कमा रहा, कभी 600, कभी 400, कभी 700, कभी 800, कभी 600, कभी 500, कभी 400, कभी 700, कभी 800। मैं कोई मेरे से पूछे कितना कमाते हो, तो मैं क्या बोलूंगा? कभी 600, कभी 700, कभी 500, कभी 800? नहीं, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट बताना होता है फिक्स, कि इतना तो कमा ही लेता हूं। तो जो इतना तो कमा लेता हूं, वही बताना औसत या समांतर माध्य होता है, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हमने, एक बार मैं चेक कर लेता हूं बोर्ड में आपको सब दिख रहे हैं कि नहीं। हाँ, क्लियर है, ठीक, ओके। अगर मैंने कहा कि किसी व्यक्ति की जो इनकम है, क्या है? इनकम। वो कभी 300 कमा रहा है, कभी 400 कमा रहा है, कभी 500 कमा रहा है, कभी 700 कमा रहा है, कभी 600 कमा रहा है, ठीक। पर उस व्यक्ति को अपनी औसत इनकम नहीं पता, तो हमने पूछा आपकी औसत इनकम क्या है। औसत को ही एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज, जिसको आप एवी से दिखा सकते हैं, और समांतर माध्य को एक्स पे बार से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा सूत्र होता है, क्या? औसत का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपको यहां लिख लेना है पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखो, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, ये आप कक्षा छठवीं, पांचवी, आठवीं में पढ़ चुके हो, पदों का बटे पदों की संख्या औसत नाम का आपका छठवीं आठवीं में चैप्टर है। इसमें हमें क्या करना होता है, सभी संख्या आपको जोड़ना होता है, जो कि ऊपर में दिया है 300 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 600। इनकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो बटे में लिखेंगे 5, इनकी संख्या से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये मैंने 5 लिखा, ठीक। अब हम जोड़ते हैं कितना होता है, तो 700 और 300 होंगे आपके 1000, 400 और 600 आपके होंगे 1000, तो कुल मिला के 2000, 2500। तो आप यहां पर लिखेंगे 2500 मतलब 2500, 2500 को 5 से काटेंगे
तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 सुनम 0, 5 सुनम 0 500 आए। अतः आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की औसत इनकम 500 है, वो औसतन 500 पर डे कमा लेता है। ठीक है, ये है पर डे का, कि वो 500 रुपये पर डे कमा लेता है, ये उसकी औसत इनकम होगी। ऐसे ही होता है समांतर माध्य, पर समांतर माध्य में क्या होता है, आंकड़े दो आंकड़ों पर आधारित होता है। तो वो लेवल 2 है। लेवल 1 में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेगा देखो, लेवल 1 में बहुत ही सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे कि मैं देता हूं एक डब्बा बना करके कुछ इस तरह से, ठीक है, ध्यान दीजिए, एक डब्बा बना करके मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक, जिसमें मैं कुछ भी अंक आकार अक्ष कक्ष कुछ भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये मान लो मैंने कक्षा दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने छात्र दिए, मैंने कहा पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा। ठीक है, मैंने कहा पहली कक्षा में 100 बच्चे, यहाँ पर 80 बच्चे, यहाँ 60 बच्चे, यहाँ 50 बच्चे और यहाँ 30 बच्चे। बस मैंने ऐसे ही एक आंकड़े दिया है। तो सिंपल जो क्वेश्चन होता है समांतर माध्य का, वो बहुत ही सिंपल होता है। वो इस तरह का हो सकता है, दशमलव पॉइंट पे नॉर्मल तरीके से बिना क्रम दिए, वो क्रम के साथ भी हो सकता है। तो ऊपर वाला केवल 1 2 3 4 5 लिखा हो तो वो बस क्रम को दर्शा रहा है, उसकी वैल्यू और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो 1 2 3 4 5 न हो, 10 20 30 40 हो, 8 16 32 ऐसे कुछ संख्याएं हो, तो 1 2 3 क्रम में है, मतलब वो केवल उसके संख्याओं के क्रम को बता रहा है। लेकिन अगर ऊपर की संख्या क्रम में नहीं है तो उसको बनाने के दूसरे तरीके होते हैं। तो अगर आप इसको भी देख करके समझेंगे तो डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो हो सकता है वो अलग तरीके से बने और आपको समझ में ना आए। इसलिए पूरा ध्यान से देखना, समझना और देखो ये कैसे बनता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालना है समांतर माध्य। लिखा रहेगा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको हल करके लिखना है, हल इंग्लिश में सॉल्व लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, इसी कॉलम को ऐसे बनाना है, ठीक, इस तरह से। इसमें क्या करना है, ये जो कक्षा है उसमें कक्षा लिख देना है, लिख देना है कि 1 2 3 4 5, ये कुछ कक्षाएं हैं 1 से 5 तक। यहां पर लिख लेना है छात्र, ठीक है, क्या लिख देना है, छात्र जो कि है 100 80 60 50 30। ठीक, इसके बाद इनका कुछ भी नहीं करना है, बस इसको ऐसे बंद कर लेंगे। ठीक, हमें क्या करना है, इसका योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो आपको क्या करना है, यहां पर लिख देना है योग, बस इसको जोड़ने का काम करना है। ठीक है, जोड़ते हैं तो ये 100, ये आपका दोनों मिलाकर के 210 हो जाएगा, क्योंकि 80 और 30 110 होता है, 110 में 100 जोड़ेंगे 210, और ये भी 110 हो रहा है। ठीक, 210 में 110 को जोड़ेंगे तो 320 हो जाएगा। ठीक है, 210 में 110 को जोड़ेंगे तो 320 हो जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना है 320। ठीक, योग करना है तो इनका भी योग कर लीजिए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर पदों की संख्या जो है वो n बराबर आपकी 5 हो जाएगी। ठीक, और इसको आप बोल सकते हैं सिग्मा एफ या सिग्मा एफ एक्स, ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपकी हो गई, ये समझ सकते हैं ये आपकी 320 है। तो समांतर माध्य का ऐसे सूत्र लगा दो, सिग्मा एफ बटे एन। ठीक, सिग्मा एफ आपका 320 है और पदों की संख्या आपकी 5 है, 5 एकम 5, 5 सबका 30, 2 बचा 5 चौक 20। आप कैलकुलेटर में भी भाग करके देख सकते हैं, आपका जो समांतर माध्य निकला वो निकला 64। ठीक है, तो सबसे सिंपल प्रकार, सबसे पहला प्रश्न होगा समांतर माध्य का, वो वैसे ही होगा, केवल उन संख्याओं को जोड़ देना है कितना हो रहा है और इनको टोटल करके, यहाँ मतलब इसको टोटल मत करना है, ऐसे ऐसे करके बस कितने कितने हैं, 5 6 5 लिख करके ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक, बस ये सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बेसिक रूल है समांतर माध्य का। आई होप आपने अगर ये सब देख लिया समझ लिया तो आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। नहीं नोट किया है तो सबसे पहला काम आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि मैं अब इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक।
अब लेवल टू की ओर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इतना काम है, इतना आपको तो नोट करना है, तो इसको फटाफट नोट कीजिए सभी बच्चे। तो अब हमने माध्य क्या है जान लिया, उसके कुछ क्वेश्चन भी देख लिए। अब हमारा डिटेलिंग थोड़ा आगे बढ़ेगा, जहां पर हम समांतर माध्य के कुछ प्रकारों को देखेंगे, क्योंकि ये समांतर माध्य जो है वो एक नहीं दो तीन प्रकार के होते हैं। तो 10वीं में तो कुछ ज्यादा ही था पहले के टाइम पे, जो चेंज करके नॉर्मल कर दिया गया। यहां पर आपको याद रखना है समांतर माध्य के तीन प्रकार होते हैं। इसमें से पहला है प्रत्यक्ष रीति, ठीक, पहले रीति का नाम है प्रत्यक्ष रीति। दूसरा होता है लघु रीति, लघु रीति को बोलते हैं शॉर्टकट। प्रत्यक्ष रीति को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। अगर पद विचलन पद विचलन रीति को हम कहते हैं स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। सबके अपने अलग अलग रूल हैं कि कौन कैसे कैसे बनेगा। तो जो अभी आपको मैंने बेसिक से जो सिखाया था ना, जिसमें 320 और पदों की संख्या एन आया था, वो विधि है प्रत्यक्ष विधि। उसमें कोई तामझाम नहीं, जो भी क्वेश्चन है उनको दूसरे कॉलम में जोड़ दो, पहले वाले के बस क्रमांक को देखो कितने हैं, 5 है तो 5 लिखो, एन का मान 6 होगा तो 6 लिखना, 10 होगा तो 10 लिखना, और जोड़ के बस डिवाइड कर देना है, ठीक है। नॉर्मल सा सूत्र लगा के इस रीति को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष रीति। तो जो आपने यहाँ पर अभी नोट किया होगा, नहीं किया होगा तो नोट कर लेना और इसके सामने लिख लेना कि वो प्रत्यक्ष रीति था, ठीक है। क्या था वो? प्रत्यक्ष रीति। चलिए, इस प्रत्यक्ष रीति का कुछ रूल है जिसको आपको लिखवाना है, तो रूल को नोट कीजिएगा। प्रत्यक्ष रीति में पद मूल्यों का योग सिग्मा एक्स, पद मूल्यों का योग सिग्मा एक्स ज्ञात किया जाता है। पहला रूल। दूसरा, योग को पदों की संख्या एन से भाग दिया जाता है, ठीक, ये लिख लेना है। तो इस तरह से सिग्मा एक्स और एन करने से जो प्राप्त हुआ वही कहलाता है समांतर माध्य, ठीक। ये रूल है जिसका उदाहरण आप ने 320 और 5 से जो भाग किए वो आप लिख चुके हैं, ठीक है, ये हुआ। लेकिन प्रत्यक्ष रीति में एक ही आंकड़ों पर क्वेश्चन एक ही तरह से नहीं बनता, इसमें और भी क्वेश्चन होते हैं जो दो आंकड़ों पर आधारित होते हैं। तो मैं आपको एक और सिखाता हूँ, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन इस तरह से हो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो आप वहां पर क्या करेंगे। तो देखिए, रीति भी प्रत्यक्ष ही चलेगी, लेकिन क्वेश्चन देखना कैसा होगा। क्वेश्चन अगर इस तरह से हो, प्रत्यक्ष रीति का क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, देख। अब जब क्वेश्चन प्रत्यक्ष रीति का बना रहे हो, तो याद रहे उसमें जो कॉलम होंगे, उसमें जो ऊपर में होगा वो केवल क्रम नहीं होगा, वो होगा वो वर्ग अंतराल। क्या होगा वो? वर्ग अंतराल, आकार, प्रकृति कुछ भी दी जाती है तो अधिकतर नाम उसका आकार रहता है, जो कि 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30 और 30 से 40 दी जाती है, ठीक है। नीचे आवृत्ति या फिर कोई भी मान दिया जाता है, वर्ग या आकार, ऐसे करके उल्टा हो गया क्या? हाँ ठीक, आवृत्ति ये कुछ भी हो सकते हैं, आवृत्ति आपके कुछ भी होते हैं इस तरह से, ठीक, क्लियर है। अब बोलेगा ऐसे क्वेश्चन को जब आप ऊपर में देखेंगे जहां एक दो तीन नहीं लिखा रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 0 से 50, 50 से 100 या फिर 0 से 5, 5 से 10 ऐसे लिखा होगा, आप समझ जाओ। अगर उसमें ये स्पष्ट बोला है कि प्रत्यक्ष रीति से स्पष्ट बोला रहेगा, प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य ज्ञात करें, तब वो कैसे बनेगा, वो अब इसको नोट करना है, ठीक है, इसको समझना ध्यान से। तो क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, वीडियो को अगर आपको छोटा दिख रहा होगा कोई भी हम, तो इसे जूम कर लेना, क्योंकि अब जूम का ऑप्शन आ चुका है, आपको लोगों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता इसलिए मैंने बताया, ठीक है। चलिए तो जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, अब हम क्वेश्चन 2 बना रहे हैं प्रत्यक्ष रीति का, है ना। दो ही प्रकार के हर मेथड के क्वेश्चन होंगे, एक एक आंकड़ों पर आधारित, दूसरा दो आंकड़ों पर आधारित। तो यहाँ दो दो आंकड़े हैं, एक आकार का आंकड़ा, दूसरा आवृत्ति का, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में आपको चार कॉलम बनाने पड़ते हैं, कितने कॉलम? चार कॉलम। देखो सबसे पहले यहां हल में लिख देना प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य, ठीक। और क्या करना है, इस तरह से कॉलम बना देना, कितने कॉलम बच्चों? चार कॉलम, ठीक। पहला कॉलम होता है आपके आकार का, जो कि है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक। अब क्या करना होता है, यहीं पर आप इसका मध्य मान निकालते हैं, उस मध्य मान को मीन वैल्यू बोलते हैं और x से दर्शाते हैं, और इस x का मतलब होता है मध्य मान। अब जो बच्चे प्रॉपर हिंदी में बनाना चाहते हैं वो हिंदी में ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जो इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, इस रीति का नाम आप डायरेक्ट मेथड लिखो, डायरेक्ट मेथड ऑफ समांतर माध्य। समांतर माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं ज्यादातर उपयोग नहीं करता, अच्छा मीन बोलते हैं, ठीक 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 ओके। अब वो एक्स कैसे निकलेगा, मध्यमान वो देखो, मध्यमान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है, तो 10 और 0 को जोड़ो 10 ही होगा, 10 को 2 से डिवाइड करो, आधा करो 10 का, तो 10 का आधा 5 होगा, तो पहला मध्यमान निकला 5। अब आप दूसरा 10 और 20 को देख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 10 और 20 30 होता है, 30 का आधा कर दीजिए तो 30 का आधा 15, तो अगला मध्यमान आपका निकला 15। अब इन दोनों को जोड़िए, 20 और 30 50 होता है, 50 का आधा 25 होगा, तो अगला मध्यमान आपका 25 होगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 30 और 40 70 होते हैं, तो 70 का आधा 35 होगा, तो अगला मध्यमान आपका 35 है। अब तीसरे कॉलम में लिखना होता है फ्रीक्वेंसी को, जो कि आपकी आवृत्ति है, जिसको f से दर्शाना होता है, वो है आपका 10, 8, 5 और 2, ठीक। चौथा कॉलम क्या होता है, चौथे कॉलम को हम fx बोलते हैं, और हिंदी में गुणनफल, गुणनफल किसका, f और x का, और दोनों आपको पता है ये f है ये x है, तो दोनों का गुणा करो, 5 दहम 50, 15 अट्ठे 120, ठीक है, 15 दुनी 30, 15 तिये 45, 15 तो 60, 4 बार में 60, तो 8 बार में 60 का दुनिया 120, 15 अट्ठे 120, 25 पंचे 125 होता है, और 35 दुनी 70 होता है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 70, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इन सभी को योग करना है, इन सभी का क्या करना है, योग करना,
तो योग लिख लेंगे या इंग्लिश में टोटल योग कर दीजिए। योग होता है एफ का और एफ एक्स का, ठीक है। तो योग को आपको मैंने बोला है सिग्मा से दर्शाना है, तो सिग्मा एफ लिखना और इसमें सिग्मा एफ एक्स लिखना, क्योंकि सिग्मा योग है किसका, एफ एक्स का, सिग्मा योग है किसका, एफ का। अब इनके मान लिखते हैं कितना होगा, तो 8 2 10 10 10 20, 8 2 10 10 10 20, 20 और 5 25, तो यहां पर आ रहा है आपका 25। ये कितना हो रहा है, 50 और 70 120 होगा, क्लियर है। 120 और 120, 240, 240 और 100, 340, 340 और 25, 365, तो यहां पर हो रहा है आपका 365। तो जोड़ने की प्रक्रिया आप देख कर कर लेते हैं तो आपको समय बचता है, वरना भी आपको कैलकुलेटर में एक तो देख के ये करना पड़ता। तो इससे अच्छा जब भी क्वेश्चन बनाओगे देख के जोड़ना सीखो, इससे आपका माइंड भी प्रैक्टिस होगा, माइंड की भी प्रैक्टिस होगी, कैलकुलेशन फास्ट होगा और आपका आंसर यू भी आ जाएगा चुटकियों में, ठीक। अब आपको जो समांतर माध्य निकालना है तो प्रत्यक्ष रीति के लिए वही नॉर्मल से सूत्र लिखना, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक। सिग्मा एफ एक्स का मान है बच्चों 365, ठीक। सिग्मा एफ है आपका 25, दोनों को काटेंगे 5 5 25, 5 7 35, 1 बचेगा क्योंकि ये 36 है, हमने 5 को पढ़ा 7 बार पढ़ा, 5 7 35, 35 और 36 को काटो 1 बचेगा, तो जो इसमें से 1 बचेगा वो इधर आता है, तो 15, 5 किया 15। अब उसको काटना है 5 से, किससे काटना है 5 से, जिस भी संख्या को 5 से काटना होगा उसको काटो मत, उस संख्या को 2 से गुणा कर दो और एक संख्या पहले दशमलव लगा दो। तो 73 का दुगना करो कितना होगा, 70 का दुगना 140, 3 का दुगना 6, 140 में 6 जोड़ो 146। तो जिसको भी 5 से भाग करना उसको भाग मत करो, 2 से गुणा कर दो, तो 73 का दुगना 146 हो गया, एक संख्या पहले दशमलव लगा दो, तो आंसर है आपका 14.6। क्या आंसर है, 14.6 इसका आंसर है समांतर माध्य का प्रत्यक्ष रीति से, ठीक है। अब आपको बुक का कौन सा क्वेश्चन बनाना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो आप सभी को प्रैक्टिस करके देखनी है। चलिए उस क्वेश्चन को मैं लिखवा देता हूँ, सारे बच्चे पहले इसको अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है, एक बार देख लेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ है। आपके क्वेश्चन में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया रहेगा, नीचे कुछ भी दे और बोले रहेगा प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सभी रीति के क्वेश्चन आएंगे पर अभी हम सीख रहे हैं प्रत्यक्ष रीति, तो उसमें स्पष्ट लिखा जाएगा प्रत्यक्ष रीति समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, जैसे आपने सुना प्रत्यक्ष रीति आपको याद होना चाहिए, आपको 4 कॉलम बनाने हैं, कितने कॉलम, 4 कॉलम। पहले वाले कॉलम को एज इट इज लिख देना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, जैसे जैसा आपको दिया हुआ है। उसके ठीक सामने उनका औसत निकाल दो, मीन वैल्यू मध्य मान, तो 0 और 10 का मध्य 5 होगा तो 5 लिखे, 10 और 20 का मध्य 15 होता है तो 15 लिखा, दोनों को जोड़ के आधा करते जाओ, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, मध्य मान निकालना सीख गए। तो जो दूसरी आवृत्ति होती है जिसको एफ से दर्शाते हैं उसको तीसरे कॉलम में लिखना होता है। अब चौथा जो कॉलम होता है वो दूसरे और तीसरे का गुणा होता है, एफ और एक्स से गुणा करेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा, तो 5 10 50, 15 8 120, 25 5 125, 35 19 70, एफ एक्स को जोड़ो सिग्मा एफ एक्स लिखो, एफ को जोड़ो सिग्मा एफ लिखो, दोनों को डिवाइड करो, तो सूत्र लिखो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, 365 जो आपका सिग्मा एफ एक्स का है ऊपर लिखो, सिग्मा एफ का 25 नीचे लिखो, बस काट दो, काटने नहीं आता तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो, और हमेशा सरल क्या करो, बस कैलकुलेटर में इस्तेमाल करो, जोड़ो भाग करो, आप आंसर आ गया। तो एग्जाम में अलाउ होता है कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, तो इसका प्रयोग करना सीखो, ठीक। चलो कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है वो मैं आपको बताने वाला था, मैं ऊपर ही उसको मिटा करके बताता हूँ, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ही रहेगा आपका, बस यहाँ एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका 40 से 50 भी हो जाएगा। अब ये मैं सोचना सर आप हमें 4 बता के 5 को दे रहे हो, उससे कोई नहीं होता, वो 10 भी रहे। आपको याद रखना है ऊपर वाले कॉलम को लाइन से लिख देने हैं, उन्हें औसत निकाल के लिखना है, नीचे के कॉलम को गुणा होगा, बस ये आ गया, दोनों को जोड़ के भाग बस करना है, ठीक। तो देखो आपका जो क्वेश्चन है उसमें पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 14 है, तो ये 6 लिख दिया, ये 14 लिख दिया, ठीक है। दूसरा जो है वो 20 है और 7 है और 3 है,
तो ये 20, ये 7 और 3 लिख दिया। ठीक, ये सेम क्वेश्चन आपको बनाना है प्रत्यक्ष रीति से। किसे बनाना है? प्रत्यक्ष रीति से। दूसरा में 0 से 10, 10 से 20, ये पूरा 40 तक ही रहेगा। दूसरा अंक में बस नीचे लिख देता हूँ, याद रखना, जब पहला बन जाए तो उसका आंसर मुझे तुरंत इसी वीडियो में कमेंट करके बताना। और दूसरा 5, 2, 4, 3 और 1 ये है। तो इसी क्वेश्चन में फिर से इसको लिखना ऊपर वाले को, बस अब इस 6, 14 को हटा करके वहां 5, 2, 4 और इस पर रख के बनाना। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने दिया समझ लो। ये दोनों क्वेश्चन आपको बना करके इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, और जितना कमेंट आएगा मुझे लगेगा उतने बच्चों ने क्वेश्चन को बनाया और अच्छे से सीखा। बाकी कमेंट नहीं आया मतलब बाकी बच्चे नहीं सीख पाए, तो मुझे उम्मीद है आप बनाएंगे और इसका आंसर मुझे जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों होमवर्क जरूर करना। ठीक है, चलो इसी प्रत्यक्ष रीति में एक क्वेश्चन और आपको सिखा सकता हूँ जिसमें कोई भी एक मान गायब होता है। ठीक है, देखता हूँ इसी में है कि वो अलग मेथड में आता है, एक बार मैं देख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। आना तो इसी में चाहिए। ठीक है, ठीक, यही। चलो तो मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब हम प्रत्यक्ष रीति का ही क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें जादू होगा। क्या जादू होगा देखो, क्वेश्चन में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लिखा होगा। 5, 6, 10 ये मान होंगे, 5, 6, 10, एक संख्या नहीं पता रहेगी, फिर लास्ट रहेगा 13। ठीक, चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे। अब ये भी है प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य, लेकिन एक ही संख्या बीच की कोई भी नहीं पता, वो ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, वो बीच की कोई भी हो सकती है। एक संख्या आपको हमेशा इसमें गायब करके दी जाएगी और उस विलोपित संख्या का मान ज्ञात कीजिए, ये बोला जाएगा। इसमें याद रखना है, इसमें समांतर माध्य जो आप लास्ट में पूरा भाग भाग करके निकालते हैं वो पहले से दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन में लिखा है इस आवृत्ति का समांतर माध्य 30 है। इस आवृत्ति का समांतर माध्य क्या है? 30 है। इस आवृत्ति का समांतर माध्य 30 है, तो विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, याद रहे प्रत्यक्ष रीति से ही बनेगा। तो आपको क्या करना है, 4 कॉलम बना लेना है। ठीक है, क्या करना है, 4 कॉलम बना लेना है इस तरह से। पहला कॉलम में आपको लिखना है 0 से 10, 10 से 20 जो दिया हुआ है आकार करके। जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस, चालीस से पचास। ठीक, नेक्स्ट इनका मध्य मान निकालते हैं, जिसको एक्स से दर्शाते हैं, तो बस वही करेंगे। दस का आधा 5, दोनों 30 होगा, 30 का आधा 15, ये दोनों 50, 50 का आधा 25, ये दोनों 70, 70 का आधा 35, ये दोनों 90, 90 का आधा 45। ठीक, अब नीचे वाला जो आपकी आवृत्ति है उसको एफ से दर्शाते हैं, उसको ये हमने एफ लिखा। आप चूंकि जो नहीं पता आप उसको एबीसीडी कुछ ही मान सकते हैं, तो मान लेते हैं मैं उसको ए कहता हूँ। क्या कहता हूँ? ए। ठीक, तो ये देखो आपका पहला अंक है 5, दूसरा अंक है 6, तीसरा अंक है 10, ये नहीं पता तो इसको ए रख दिया, और ये आपका 13। ठीक, इसके बाद क्या होगा, एफएक्स करना है। एफएक्स मतलब दोनों का गुणा करना है। ठीक है, दोनों का गुणा करेंगे और बताएंगे कितना हमारा मान आने वाला है। ठीक, तो 25 पंचे कितना होगा बच्चों, एफ और एक्स से गुणा करोगे तो 5 पंचे 25, 25 पंचे पूछा था ना, गलती हो गया, 5 पंचे 25, 15 छक्के 90, 25 दहम 250, 35 एकम 35 ए, और 13 पंचे 65 की 5, 80 लाइन 6, 13 चौक 26, 43, 13 चौक 52, 52 में 6 जोड़ेंगे 58, तो ये आपका 585 निकला। ठीक है, कितना निकला, 585। इसके बाद हमें क्या करना है,
टोटल करना है, जो आपको मैंने बताया था योग निकालते हैं, योग को ही हम टोटल कहते हैं। आई होप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसको प्रॉपर देख करके सीख पा रहे हैं। और मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कहा है थोड़ा आप हिंदी भी सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो अभी हम निकालेंगे सिग्मा एफ, मतलब इनका टोटल। तो ये होगा आपका 6, 5, 11, 11 और 10, 21, 21 और 13, 21 और 13, 21 में 3 देंगे 24, 24 और 10 34, ये होगा 34 ए, क्योंकि संख्याएं आपस में जुड़ सकती हैं पर एबीसीडी नहीं जुड़ता, तो वो अलग से रहेगा, ठीक, याद रखना। वैसे इसमें भी ये सब जुड़ेंगे सिवाय 35 ए को छोड़ करके, वो अलग से रहेगा। तो आप इनको जोड़ेंगे 550 से 290 और 25, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 950। कितना हो जाएगा 950। तो सिग्मा fx बराबर 950 प्लस ये अलग से रहेगा 35 ए करके, ठीक। तो इस तरह से आपको लिखना है। क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो फिर से मैं कहूंगा जूम करके देख लीजिए, ठीक। अब समांतर माध्य ज्ञात करना है तो आपको सूत्र लिखना है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। और इसमें आपको पता होना चाहिए, आपको मान पता है इसका। देखो समांतर माध्य का मान कितना पता है आपको, क्वेश्चन में दिया है 30, तो यहां 30 आ जाएगा। तो यहां पर मैं सीधा 30 लिखता हूं इस तरह से, ठीक। बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान है 950 प्लस 35 ए डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का मान है 34 ए, ठीक। तो पहला काम होता है सूत्र लिख करके जिसका मान पता है उसको उधर रख देना, ठीक। पूरा एफ एक्स का मान ये पता है, ऊपर में एफ एक्स की जगह ये ऊपर वाले मान को रख दिए, नीचे में सिग्मा एफ का मान 34 है, हमने 34 से रख दिया, यहाँ 30 को हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने सारे मान को ठीक से जमाया, ठीक है। अब यहां से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले याद रहे इसको आप इधर लाएंगे, ठीक है। अच्छा इसमें भी याद रखना जो ए है वो अलग से रहेगा, वो इनके साथ में नहीं रहेगा। मैंने गलती से यहाँ पर साथ में लिख दिया ना, यहाँ 34 प्लस ए है ना, तो यहाँ पर भी रहेगा 34 प्लस ए। अब ये यहाँ आएगा गुणा करने, जो भाग है वो इधर आके गुणा करता है, तो 30 के साथ गुणा करेगा 34 प्लस ए बराबर यहाँ रहेगा 950 प्लस 35 ए। देखो 34 सुनम शून्य होगा, 34 दिया, 30 दिया 90, चाहे के 12, 90 और 12 102, ठीक, प्लस 30 से कम 30 ए बराबर 950 प्लस 35 ए, क्लियर है। पहले इसको उठा के इधर लाए जो 30 से गुणा करता, गुणा करने के बाद ये हो गया 1020, ये हो गया 30 से कम 30 है, ये जैसे का तैसा उतार दिए। अब याद रखना एबीसीडी और संख्याएं आपस में नहीं जुड़ती, तो एबीसीडी वाले को एबीसीडी के साथ जोड़ो घटाओ, संख्या को संख्याओं के साथ। तो 1020 को यही रखो, प्लस 950 इधर आएगा तो माइनस 950 हो जाएगा, ये 35 है, प्लस 30 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 30, 35 में 30 जाएगा 5 ए आएगा, इन दोनों को आपस में काटना है। तो काटने के लिए देखो बहुत दिमाग मत लगाओ, 1020 में से 950 काटना है ना, तो आप जोड़ने की प्रक्रिया अपनाओ कि 950 में कितना जोड़े कि 1020 हो जाए और आपका आंसर आ जाएगा। 950 में 50 जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा, 20 और जोड़ना है तो 950 में 50 जोड़ा तो 1000 होगा, 20 और जोड़ दो तो 1020 हो जाएगा, तो 70 जोड़ा आपने कुल मिला के, तो 70 आपका ये है, सिंपल। अब 5 नीचे आएगा क्योंकि जब दो चीजें एक साथ हो चर अचर तो वो गुणा के फॉर्म में होते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे होते हैं। तो जो यहाँ गुणा है वो इधर क्या करेगा भाग, तो 70 के नीचे आएगा 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा नहीं 2 बचा, 5 चौक 20, तो ए का मान निकला 14। अतः आप कह सकते हैं कि यह जो विलोपित संख्या थी यहां पर वो है 14, वो क्या है 14 है, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, एग्जाम में आपके आ सकता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। चलिए तो मुझे उम्मीद है प्रत्यक्ष श्रुति का सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको एक आंकड़ों पर बताया वो आपको पता रहेगा, आप उसके क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आप अपने बुक से क्वेश्चन बना बना करके देखिए। दूसरा दो आंकड़ों पर आधारित मैंने आपको सिखा दिया। तीसरा
विलोपित संख्या भी दी जाएगी, तो कैसे निकालने वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं जो प्रत्यक्ष वृत्ति से बनते हैं और आपको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए इन क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, मैं एक बार और चेक करता हूँ प्रत्यक्ष वृत्ति के और कितने क्वेश्चन है यहाँ पर। वैसे लगभग जितने थे मैंने आपको सिखा दिया। अब आप प्रत्यक्ष वृत्ति से आने वाले ऐसे कई क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलो इतना तो हो गया। टाइमिंग में चेक करता हूँ कितना हो गया है, 40 मिनट हो गए हैं। ठीक, फोन के लिए इतना काफी है। इसके बाद मेरा फोन हीट होके ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट मतलब बंद हो जाता है।